नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार और एक बार फिर मेरे YouTube चैनल लैब टेक्नीशियन अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने सवाल पूछा था, उसी जो है टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपका जो सवाल था कि सर इंटरव्यू में जो है हमें कौन कौन से सवाल हमसे पूछे जाएंगे और इंटरव्यू में जो है उसको कैसे फेस करना है, तो मैं आपको जो है इस वीडियो में पूरा जो है आपको जानकारी देने वाला हूँ, मेरा एक्सपीरियंस और बाकी जो है लैब में और जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वहाँ किस तरीके सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल पूछते हैं, ये सारा जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में पूरा देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो ये है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, जो BMLT DMLT किए हुए हैं आप या फिर पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी जो है आपने कोर्स किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड जब आप जॉब के लिए जाते हैं, जब आपने सर्च किया जॉब और आपको जो है कोई लोकेशन आपको मालूम चला, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो या फिर लैब हो, पैथोलॉजी लैब हो, तो वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं, तो उस विषय पे जो है हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात जो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने रिज्यूम जो है बनाया है आपने, वो रिज्यूम में जो है आपने कौन कौन सी चीज़ मेंशंस किए हैं, है ना, तो उसके बेस पे जो है आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो आप जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपका रिज्यूम देखा जाता है, उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ को मेंशंस किया हुआ है, हो सकता है वो आपका एक्सपीरियंस हो या आपने कहाँ कहाँ काम किया है, उसके बेस पे जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और कौन से आपने फील्ड में काम किया है, हो सकता है आपने बायोकेमिस्ट्री में काम किया, हो सकता है आपने माइक्रो में काम किया हो, पैथोलॉजी में काम किया हो, हिस्टो में काम किया हो या ब्लड बैंक में काम किया हो, तो इसी बेस पे जो है आपसे सवाल पूछा जाएगा। और ये चीज़ तो हो गया, उसके बाद जो है उनको जो है किस फील्ड में वहाँ पर जो है उनकी वैकेंसी जो है खाली है, तो उसके बारे में आपको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं अपना बता देता हूँ कि जैसे कि मैं जो है हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के लिए जो है, तो वहाँ पर जो है हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जो है अगर मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर जो है मेरे को हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल में मेरे से जो है इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा। तो मेरे से जो है सवाल किस तरीके से पूछा गया वहाँ पर, जैसे कि मैं अलग अलग जगह पर गया तो सबसे पहला चीज़ क्या क्या फेस करना पड़ता है वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, जैसे मैं रिज्यूम की बात कर लिया, उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो अगर हिस्टोपैथोलॉजी की बात कर लेते हैं तो पहली चीज़ क्या, इससे पहले हमने कहाँ काम किया वो पूछा जाएगा। तो हम बताएंगे कि हाँ, इससे पहले हमने इस लैब में या इस मेडिकल कॉलेज में या इस हॉस्पिटल में हमने काम किया है, हमें इतने साल का जो है एक्सपीरियंस है और पूरा काम हमें आता है, ये पूरा जानकारी जो है आप बताएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो है जिस जगह पर आपने काम किया है वहाँ पर कौन से जो आपका जैसे कि मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, तो किस बेस पे जो है आपने काम किया वो आपसे पूरा जो है पूछा जाएगा, आप पूरा जानकारी देंगे। उसके बाद जो है वो आपसे फिर प्रैक्टिकली जो काम किया जाता है उसी का जो है सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि वहाँ पर जो है हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, जैसे कि सबसे पूरा स्टेप पूछा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास सैंपल आएगा, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो वो सारा चीज़ जो है आपसे पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद फिक्सेशन के बारे में पूछा जाएगा कि फिक्सेशन कैसे करते हैं, ग्रॉसिंग का प्रोसीजर क्या है, टिशू प्रोसीजर क्या है, उसको कैसे सेट करते हैं या किस तरीके से टिशू प्रोसेसिंग में गड़बड़ी आ सकता है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा, है ना। और फिक्सेटिव के बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन से जो है ऑर्गन है तो उसको कैसे कैसे हम फिक्स करेंगे, तो फिक्सेटिव भी बहुत टाइप के होते हैं, वो सवाल आपसे पूछा जा सकता है, है ना। इसके अलावा सबसे हिस्टोपैथोलॉजी में जो सबसे मेन काम होता है माइक्रोटोमी का, तो माइक्रोटोमी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां होते हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो ये पूरा प्रैक्टिकली जो है काम हम जो लैब में करते हैं वही सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जो है थ्योरिकल पार्ट बहुत ही कम, रेयरली एक दो क्वेश्चन जो उसमें पूछे जाते हैं। और उसके बाद स्टेनिंग से सवाल बनते हैं बहुत ज़्यादा, हर लैब में जो है स्टेनिंग जो होते हैं उससे सवाल बनते हैं। और बेसिक चीज़ें ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं लैब के अंदर या जो काम करने वाले हैं वही सवाल पूछा जाता है कि काम हम कैसे करेंगे, गलती क्या होगा, उसको कैसे ठीक करेंगे, गलती को कैसे हम पहचान सकते हैं, वो चीज़ें जो है वहाँ पर सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी जानकारी जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है हो गया कि हमारा जो है इंटरव्यू में, जैसे अब जैसे आपने जो है बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं केवल बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो बायोकेमिस्ट्री में जो काम होता है, जो टेस्ट आप परफॉर्म करते हो, जैसे LFT RFT मेन है, तो उसमें से आपको सवाल पूछा जाएगा इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कैसे इनको जो है टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसके लिए जो है कौन सा डिसीज हो सकता है, वो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल जो है, और उस तरीके से जो है आपको जो है सेमी में जब आप काम करते हैं मशीन में बायोकेमिस्ट्री में, तो उसको जो है कैसे हम लोग जो है रन करते हैं,
तो ये सारा सवाल जो है आपसे बायोकेमिस्ट्री में पूछा जा सकता है। और माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे सवाल बनते हैं, उसमें तो हर जो है सब्जेक्ट से सवाल बनते हैं, जैसे वायरोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, है ना। तो ये इनके जो हैं इतने सारे सवाल, कल्चर से इतने सारे सवाल बनते हैं, तो बहुत सारे सवाल जो है माइक्रोबायोलॉजी से बनते हैं। तो यदि आप पूरे ऑल ओवर लैब के लिए जा रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट के सवाल आपसे उसमें पूछे जाएंगे, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी एक लैब के लिए जा रहे हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रो के लिए जा रहे हैं या हिस्टो के लिए जा रहे हैं, तो केवल आपको उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या उसी फील्ड से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। और सवाल कैसे पूछेंगे, जो आप प्रैक्टिकली काम करते हैं वही सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। और जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब आप DMLT या BMLT किए हैं, आप लैब टेक्नीशियन के रूप में आप बाहर आ रहे हैं, तो उसके बाद आपको सबसे पहला काम, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, काम सीखना है। आप किसी जगह पर जाते हैं तो आपको जो है, जैसे काम सीखने जा रहे हैं तो आपको स्पष्ट बताना है कि हमें काम नहीं आता, हमें काम सीखना है। तो वह काम सिखाएंगे पहले, वहाँ पर पूरा काम अच्छे से सीखना है। सीखने के बाद जो है आपको जो है ज्वाइन करने के लिए या ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, आपको पैसे कमाने के लिए आपको जो है दिमाग में वो चीज़ लाना है। ये नहीं कि आपने पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ और डायरेक्ट नौकरी के लिए जा रहे हैं कि हमें सब कुछ आता है और डायरेक्ट जा करके नौकरी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। फिर वहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, मार खा जाएंगे, आपको कुछ काम नहीं आएगा, इंटरव्यू में आप जो है बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, एक्सपीरियंस लेना। कम से कम एक साल आपको काम सीखना है अच्छे से। काम आपने पूरा परफेक्ट सीख लिया किसी भी एक फील्ड में, या पूरा जो है लैब का काम आपने सीख लिया एक साल के अंदर, एक एक टेस्ट आपने सीख लिया और सारी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान हो गया, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, रिज्यूम बनाना है अच्छे से, और वो एक्सपीरियंस जो आपने काम सीखा है वो आपको ऐड करना है उसमें, और वो जा करके जो है फिर आपको जो है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू देने के लिए जब आप जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल होता है वहाँ पर जाते हैं, या पर्टिकुलर किसी का जो है लैब होता है वहाँ पर जब आप जाते हैं काम के लिए, तो ये सारे सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे उसी जो फील्ड है उसी से रिलेटेड, और जो आपने काम किया है उसी से जो है रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। उसके बेस पे जो है आपको वहाँ पर काम के लिए रखा जाएगा, और सैलरी भी डिसाइड करेंगे कि आपको कितना काम आता है, उसी बेस पे आपका सैलरी भी वहाँ पर डिसाइड कर दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी जो है मैं आपको दे दिया है, और बाकी कोई भी सवाल जो है आपको अगर लगता है तो सवाल आप कमेंट पे कीजिए, और भी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ उसके बेस पे। और यदि इसके अलावा आपको जो है कोई बात यदि मुझसे करनी है, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पर जो है आप दिनेश कुमार सर्च करेंगे तो LTA का जो है लोगो जो यूट्यूब पे बना है वही लोगो जो है उसमें भी डला हुआ है, तो मैं आसानी से वहाँ मिल जाऊँगा। वहाँ पर जाकर के आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताएं मेरे को, और कोई जानकारी चाहिए तो वो भी बताएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो यदि पसंद आता है तो आप लाइक करें, और नए हैं मेहमान तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि इसके लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड या BMLT DMLT से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ जो है मैं अपने चैनल में डालता हूँ और आगे भी डालता रहूँगा, तो वो जानकारी आप लोगों तक मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।